हे एक्वेरियम फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इरिटेशन शार्क की केयर कैसे करते हैं। गाइस, इसकी केयर बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस मेरे वीडियो एंड तक देखना है बिना स्किप किए। उससे पहले नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, नंबर वन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे मेन बात है इसकी टैंक साइज़। गाइस, अगर ये आप फिश लेके आए हो या लेना चाहते हो तो सबसे पहले उसको बड़ा टैंक दीजिए। गाइस, बिल्कुल ही छोटे टैंक में रखने की भूल ना करना, क्योंकि अगर आप इसको छोटे टैंक में रखोगे तो ये इरिटेशन हो जाएगी गाइस, और पूरे आपके डेकोरेशन को तहस नहस कर देगी इधर से उधर इधर से उधर, क्योंकि गाइस ये बड़े टैंक के लिए बने और इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है गाइस, इसलिए आपको एक बड़ा टैंक लेना पड़ेगा। गाइस, मिनिमम 3 फीट से ऊपर की टैंक बेस्ट है इसके लिए, और 3 फीट के नीचे अगर आपकी टैंक है तो गाइस ये फिश मत लेना, और लिए तो टैंक साइज़ बढ़ा देना। छोटी दो तीन इंच की रहेगी शार्क तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, पर उसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाती है गाइस, तो फिर आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए टैंक साइज़ मैटर करते हैं। और जो अपना सेकेंड टिप से वो है गाइस फूड। फूड में आप शार्क फिश को ऑप्टिमम के पैलेट दे सकते हो गाइस, और हफ्ते में एक आध दो बार चिकन भी दे सकते हो, उससे वो एक्टिव एंड हेल्दी रहेगी और फास्ट स्विमिंग करेगी, और उसका कलर भी अच्छे से ग्रो ड्रैक होगा और ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी गाइस। और कुछ कुछ लोग मुझे बोलते हैं, भाई मेरी शार्क खाना नहीं खा रही है, एक आध दो दिन हो गए वो खाना ही नहीं खा रही, कुछ भी नहीं खा रही। तो गाइस, आप टेंशन मत लेना, कभी कभी वो ये हो जाते, स्ट्रेस में चले जाते, इसकी वजह से वो खाना पीना बंद कर देते गाइस, पर वो 10 से 12 दिन तक बिना खाए भी रह सकते गाइस, वैसे कुछ टेंशन की बात नहीं। आप डाला करो, एक आध दो पैलेट डाला करो डेली, देखना वो आएगी ऊपर खाएगी एक आध दो, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली खाना स्टार्ट कर देगी। और उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा गाइस, शार्क स्ट्रेस में क्यों जाती है, क्या है, आप गलती करते हो, ये मैं आपको बताऊँगा गाइस। और अपनी नंबर 3 जो टिप्स आ रही है वो है गाइस टैंक्स मेट। आप शार्क फिश के साथ कौन कौन सी फिश रख सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने मेरे शार्क फिश के साथ मोली फिश और गप्पी एंड प्लेको फिश रखा है गाइस। शार्क किसी भी फिश को गाइस नुकसान नहीं पहुंचाते, वैसा कुछ नहीं है, बस आप ज़्यादा एग्रेसिव फिश उसके साथ मत रख देना गाइस, क्योंकि कभी कभी मोली फिश भी एग्रेसिव दिखाती है, पर मेरी शार्क को इतना डैमेज नहीं करते गाइस, आप रख सकते हो वैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा हाइडिंग प्लेस दे दो गाइस, और टैंक साइज़ बड़े रहनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया आपको, फिर इजीली आपकी शार्क सर्वाइव कर जाएगी और आपकी मोली फिश भी, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा गाइस। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो गाइस एक लाइक दे देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना आपको क्या दिक्कत आई, आपके शार्क की केयर करने में क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।